अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ होम कीज इन टाइपिंग। सो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो सिक्स क्लास, ओपन योर पेज नंबर 74, 3.2.1 होम कीज। इसके नीचे ही आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है। एज़ यू नो दैट होम कीज़ कौन सी होती हैं? ASDF एंड JKL आर कॉल्ड होम कीज़। ASDF एंड JKL ये जो कीज़ होती हैं इनको होम कीज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ये देखें ज़रा, आपकी फर्स्ट कीबोर्ड की जो फर्स्ट रो होती है वो फंक्शन कीज़ होती हैं, उसके बाद सेकंड है आपके पास क्वर्टी लाइन होती है, एंड थर्ड जहाँ पे आपको फिंगर्स प्लेस हुई भी नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये ASDF एंड JKLR ये हैं आपकी होम कीज़। इनको होम कीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप एक प्रॉपर फॉर्म में आप या कोई भी यूज़र टाइपिंग करता है तो वो अपने लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स को ASDF पर रखता है और राइट हैंड की फिंगर्स को JKL पर प्लेस करता है। ये देखें, बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको कि लेफ़्ट हैंड जो है ASDF पर हैं उसकी फिंगर्स एंड राइट हैंड JKL। सो आपका आंसर भी यही है। आपने इस में जस्ट कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं। वाइल टाइपिंग वी प्लेस DF एंड प्लेस फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऑन JKL। वही बात है कि टाइपिंग के दौरान हम अपनी फिंगर्स लेफ़्ट हैंड की फिंगर ASDF पर पुट करते हैं और JKL पर राइट हैंड की फिंगर्स रखते हैं। यूज़ ईदर ऑफ द थंब टू प्रेस और स्पेस देने के लिए हम थंब यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन लेटर्स, यानी कि लेटर्स आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर मोनिटर की वर्ड्स टाइप होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, उनमें स्पेस देने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? थंब यूज़ करते हैं स्पेस बार के लिए। सो ASDF एंड JKLR ये क्या हैं? ये आपकी होम कीज़ हैं। आपने यही आंसर जो है नोटबुक पे भी करना है और याद भी करना है आपने साथ में। सिक्स क्लास, आपने अपने घरों में लैपटॉप्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, तो आपने भी इसी तरह से टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। अपने फिंगर्स को इसी तरह से प्लेस करना है होम कीज़ पर और अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करनी है। ये आपका होम टास्क है जो मैं आपको असाइन कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।